हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए जन्माष्टमी का त्यौहार आने वाला है, तो हमने सोचा कान्हा जी की ड्रेस बना करके आप लोगों को बताएं। तो ये देखिए हमने इस तरह की ये लेस ली है और ये कान्हा जी की ड्रेस बनाने के लिए इस तरह का कपड़ा लिया है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं, किस तरह हमने बनाना है। तो प्लीज़ ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये कान्हा जी की ड्रेस आपको कैसी लगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं किस तरह हमने बनाना है। देखिए सबसे पहले हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे और आपके कान्हा जी जितने बड़े हैं आप उस हिसाब से इसको कट कर लें पट्टी को। ये देखिए इस तरह से इसी तरह हम पट्टी। देखिए फ्रेंड्स, हमने घाघरा बनाने के लिए पट्टी काट ली है। अब यहाँ से हम चोली बनाने के लिए इस तरह से देखिए हमने ये चोली बनाने के लिए कपड़ा लिया है और ये हम इस तरह से इसमें पहले लेस लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरह से मैं इसमें मशीन से चाहे हाथ से आप लेस लगा लें। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये चोली के लिए दो इस तरह से कपड़े कट कर लिए हैं ये, और हमने अपने चैनल में काफ़ी ड्रेसें बनाई हुई हैं सिलाइयों से भी और कपड़े की। इसी तरह आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम सिलाई मशीन से सबसे पहले इस लेस को लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से देखिए सबसे पहले मैं इसी तरह इस लेस को लगा लूँगी। फ्रेंड्स, हमने इस तरह साइडों में इस तरह की लेस लगा ली है। तो देखिए हमने साए में इस तरह लेस लगा ली है। ये देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये घाघरा बन गया है। देखिए अब हम इस तरह इसमें इसकी चोली बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये घाघरा बन गया है। देखिए अब हम इस तरह इसमें इसकी चोली बनाएंगे। फ्रेंड्स, हमने चोली को इस तरह से ये जॉइंट कर लिया है इसमें। अब हम इस तरह से इसको, ये देखिए, चाहे आप सुई की मदद से इस तरह ही लगा लें, चाहे आप मशीन से भी इसको इसी तरह लगा लें। तो चलिए हम इसको मशीन से लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से हम इसको लगाएंगे। ये देखिए
और इसको हम यहाँ पे इस तरह से जॉइंट कर देंगे। ये देखिए, तो चलिए कर लेते हैं इसी तरह। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल की ड्रेस बनके तैयार है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए बहुत ही सुंदर से ड्रेस बनके तैयार है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए। तो प्लीज़ ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कान्हा जी की ड्रेस कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।